फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फर्स्ट ऑफ मार्च 2023 थाउजेंड एक मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में बिल्कुल uh, शर्म मत लाइए उसको आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को एंड जहाँ चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सवालों के साथ जो कि प्रिल्मस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहला सवाल पिंक बॉल वर्म अट इन इज एफेक्टिंग विच तो पिंक बॉल वर्म इनमें से किसको एफेक्ट करता है ऑप्शन आपके सामने आई होप आप लोग आंसर करेंगे और आपसे तीनों क्वेश्चन आपके बने ऐसी दुआ है मेरी तो इसका करेक्ट आंसर है बी कॉटन बहुत ही आसान सवाल है आप सबको पता है कि इसीलिए बी टी कॉटन की जो स्पेशीज है वो पिंक बॉल वर्म से बचने के लिए बनाई गई थी एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स सब कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जी ये फैक्टर्स आपको बताने हैं कि इनमें से हीट वेव कौन कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं तो फर्स्ट लिखा है वार्मर अरेबियन सी सेकेंड लिखा है डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो uh, तीसरा है अपर एटमोस्फेरिक वेस्टर्ली विंड्स चौथा लिखा है इंक्रीजिंग लैप्स रेट एंड पांचवा लिखा है एक्सपेंशन ऑफ एयर तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हीट वेव कॉज कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर फॉर दिस आपको बताना ऑप्शन आपके सामने हैं फिर से देख लीजिए आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वार्मर अरेबियन सी बिल्कुल सही है डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो ये यस डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो भी इम्पैक्ट करता है कि लीवर्ड साइड बह रही है विंडवर्ड साइड है केधर है है, है, के है ना ये सारी चीज़ें एंड अपर एटमोस्फेरिक वेस्टर्ड्स इज ऑल्सो कॉज इंक्रीजिंग ट इज नॉट अज लैप रेट बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा लूज हो रहा है इसका मतलब है कि वो ठंडा uh, होगा एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर इज ऑल्सो नॉट द रीजन कम्प्रेशन ऑफ एयर इज द रीजन तो थर्ड एंड फिफ्थ नहीं होगा क्वेश्चन नंबर थ्री ताल छप्पर सेंचुरी uh, ताल छप्पर सेंचुरी आपको बताने में से कहाँ लोकेटेड है ऑप्शन आपके सामने है द करेक्ट आंसर फॉर दिस अगेन इज सी राजस्थान आई होप यू गॉट क्लैरिटी आप इसको याद रखिएगा ठीक है ना आगे मूव करते हैं न्यूज आइटम्स ऑफ द डे की तरफ पहली न्यूज़ जो है वह यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस का एक मेटरनल मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है जिसको एम एम ई आई जी कहा जाता है ठीक है ना एम एम ई आई जी मतलब कि मैटरनल मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप एम एम ई आई जी बोलते हैं इसको इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसको बोलते हैं मेटरनल मॉर्टेलिटी रिपोर्ट मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट रिपोर्ट और इसमें द रिपोर्ट शोज द द मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बिटवीन 2000 थाउजेंड एंड टू है ना उसके बीच का एनालिसिस किया गया है Uh, जो एम एम ई आई जी है यानी कि मेटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटरजेंसी ग्रुप जो है इसके कंपोनेंट्स uh, कौन कौन से हैं तो यू एन एफ पी ए यानी कि फंड फॉर पॉपुलेशन है और ये uh, यूनिसेफ yeah, है वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इस सब इसके ग्रुप्स हैं uh, इसके पार्ट हैं याद रखेगा एंड मेटर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है एक सवाल ये बड़ा सवाल है कि ये होता क्या है तो मटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेटरनल डेथ यानी कि मदर्स की डेथ पर वन लाख लाइव बर्थ मतलब एक लाख लाइव बर्थ में कितने मेटरनल डेथ्स हो रही हैं विच इज़ ड्यू टू प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिगार्डलेस ऑफ द साइट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये सब आपका मेटरनल मॉटैलिटी में आता है ठीक है ना इट इज़ uh, एक लाख लाइव बर्थ याद रखें वन लाख लाइव बर्थ याद रखें कि ज़्यादातर जो रेट्स होते हैं वो वन थाउजेंड पर निकाले जाते हैं लेकिन मेटरनल मॉटेटी इज़ वन लैख लाइफ बर्थ ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दूसरी जो न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू क्रिएट टेन क्लीन प्लांट सेंटर्स टेन क्लीन प्लांट सेंटर आप लोग को यह मैं बता रहा हूं टेन क्लीन क्लीन प्लांट सेंटर्स अब ये दस क्लीन प्लांट सेंटर्स क्या काम करेंगे तो दीज क्लीन प्लांट सेंटर्स इंक्रीजिंग फ्रूट क्रॉप फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ठीक है ना एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द फूड फ्रूट प्रोडक्शन इन द कंट्री फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होगा एंड दीज सेंटर्स विल भी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मॉडल सेंटर्स इन इजरा नीदरलैंड एंड यूएसए तो ऐसे क्लीन प्लांट सेंटर सेंटर जो है वो, वो किसके तर्ज पर बनाए जाएंगे कुछ मॉडल सेंटर्स थे जो कि इसराइल नीदरलैंड और यूएसए में बने थे उनके तर्ज पर इनको बनाया जाएगा ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली जो न्यूज़ है वो है मरीना विच इज़ अ स्पेशली डिजाइंड प्लेस ऑफ प्लेजर फॉर स्मॉल बोट्स एंड यार्ड्स मरीना एक स्पेशली डिजाइंड प्लेस है ऑफ प्लेजर फॉर स्मॉल बोट्स एंड यार्ड्स इंडिया का पहला जो मरीना है वो बना है कर्नाटका में दैट इज कमिंग इन कर्नाटका बाइंडूर जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है वहाँ पर आ रहा है तो मरीना इट्स अ स्पेशली डिजिग्नेटेड प्लेस स्पेशली डिजाइंड प्लेस ऑफ प्लेजर फॉर स्मॉल बोट्स एंड यार्ड्स स्मॉल बोट्स एंड यार्ड्स के लिए मरीना एक स्पेशली डिजाइन प्लेस होता है एंड द दिस वाज अनाउंसड बाय द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया एंड ही अनाउंस दिस बाय सेइंग दैट इट इज द सेवन विंडोज ऑफ कर्नाटका इट इट वाज अ फंक्शन सेवन विंडोज ऑफ कर्नाटका उसके अंतर्गत मरीना जो है वो स्टार्ट uh, किया गया है अगला जो न्यूज है वह गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला जो बी सी एस जी है बी सी एस जी क्या है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात उसने बेसिकली एक मतलब ऑर्गेनाइज किया है बर्ड सर्वे इन धारोई गुजरात धारोई मैं आपको ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ जस्ट इन ऑर्डर टू टेल यू अबाउट धारोई धारोई क्या है एक वेटलैंड है जो कि गुजरात में इट इज अ वेटलैंड दैट इन गुजरात एंड इट इज लोकेटेड इन द ट्राई जंक्शन ऑफ महसाना बंस ंसठा एंड सबरकंठा तो ब, uh, महसाना बंसकटा एंड सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट्स के ट्राइजेक्शन पर यह लाई करता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी न्यूज ये सब अच्छी चीजें थी ना क्वार्टर थ्री जीडीपी ग्रोथ स्लोस टू फोर पॉइंट फोर परसेंट तो ये डेटा जो आया है वो एनएसओ निकालता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस निकालता है इसको विच कम कम्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो किसके अंदर का आता है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है एन ने यह डेटा निकाला है और जी का डेटा जो है वो बताया कि ये जो क्वार्टर थ्री का जी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है टू फोर ठीक है ना जी डी पी सबको पता है कि जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द

अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्यूज इन रेड सैंडर्स स्मगलिंग हेल्ड इन आंध्र प्रदेश ये पुष्पा मूवी जो थी ना वो रेड सैंडर्स के ऊपर ही थी थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो यू ने पहले पूछा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विद रेफरेंट टू रेड सैंडर्स समटाइम्स इन इ न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो रेड सैंडर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा दो के प्रीलेंस में देखो और पहला स्टेटमेंट देखो इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया सेकंड स्टेटमेंट कह रहे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया

Uh, इसको रेड uh, सैंडलवुड या रक्त चंदन भी कहा जाता है या इसको सॉन्डर्स uh, वुड भी कहा जाता है इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ टेरोकार्पस एंडेमिक टू द साउथ ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया ये ईस्टर्न घाट्स की तरफ है मोस्टली फाउंड इन आंध्र प्रदेश रीजनरेट वेल इन ड्राई हॉट क्लाइमेट नॉट ग्रोन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट इज नॉट ग्रोन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजली फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ एल्टीट्यूडी टू नाइन मीटर याद रखेगा ग्रोज वेल ऑन लिटलिटिक

companies and public sector units can enter into agreement with the union ministry of culture to adopt and maintain the state owned archaeological sites or monuments the private firms ho companies or public sector units hon. they can enter into agreement with the union ministry of culture to adopt and maintain the state owned archaeological sites or monuments businesses that enter into such agreement are known as monument mitras jo business enter agreement को कहा जाएगा मॉन्यूमेंट मित्रज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ईगर दैट दिस स्कीम व्हिच बिगन इन फरवरी लीड्स टू द अडॉप्शन ऑफ 500 प्रोटेक्शन साइट्स बाय अगस्त 15 तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि जो ये स्कीम स्टार्ट की गई है इसमें लगभग 500 प्रोटेक्टेड साइट्स हो जाएं बाय 15 अगस्त एंड अडॉप्शन ऑफ अनदर 500 शॉर्टली देयर आफ्टर एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स अ

एंड न्यू रिवैम तो किया जा रहा है लेकिन टारगेट अभी वही है मॉन्यूमेंट मित्राज और वही वाला चीज़ है और अब इसको क्या किया जा रहा है तो नया जो प्रपोजल है उसको में अडॉप्ट हेरिटेज को ओवरहॉल किया जाएगा और उसमें अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाल दी जाएगी नाउ द बिजनेस मे यूज़ देयर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एट सेलेक्टेड साइट्स टू कंस्ट्रक्ट एंड मेनटेन टिकट ऑफिसेज रेस्टोरेंट्स म्यूजियम्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स टॉयलेट्स एंड वॉक तो अब यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें वो कर सकते हैं हैं एंड ये अब क्या होगा ये इससे आपका जो मॉन्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा लिटअप हो जाएगा है ना बहुत सारे गाइडेड टूर्स होंगे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे इक्विपमेंट्स लगेंगे लाइट के है ना एंड ये सारी चीजें हैं लेकिन इससे क्या होगा जो स्क्रूटनी मतलब ये जो है जो आ, अभी तक सी एस आर का जो मेन मतलब था वो कहीं ना कहीं हट जाएगा क्योंकि अब बिजनेसेस तो इसमें एक तरह से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे ऑल दिस थिंग्स विल हैपन दूसरा जो इसमें इशू है वो है जैसे हमने मोरबी गुजरात में देखा मोरबी गुजरात में हमने देखा कि एक वॉच कंपनी जिसको एक्सपर्टाइज नहीं है ब्रिज बनाने का उसने मोरबी में कितनी बड़ी एक ट्रेजडी क्रिएट करवा दी अब ऐसे में जब हम बिजनेसेस को इंटर करवाएंगे इनटू मॉन्यूमेंट्स एंड वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स का ये सारी चीज़ें जहाँ पे उनके पास प्रोफेशनल नहीं है जहाँ पर वो एक्सपर्ट नहीं उस चीज़ के उनको नॉलेज नहीं है कि वो हिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंस है पास्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंस है तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट की अंडरस्टैंडिंग को थ्रेटन कर रहे हैं है ना एंड द करेंट प्लान ऑल्सो साइडलाइंस द मैंडेट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने कि कहा था कि इस तरीके से आप जो मोन्यूमेंट्स हैं उसमें रिस्क नहीं कर सकते डेवलपमेंट वाला जो रिस्क है वो नहीं कर सकते कि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आप करें एंड विजिटर्स में आप वहाँ इतना ज़्यादा कर दें कि वहाँ की जो सेंटिटी है या सेरिनिटी हो चला जाए इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि कुछ कुछ लोगों को ये भी डर है कि जो बिजनेसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करने के बाद उसके हिस्टोरिकल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं विदाउट मच अपोजिशन दे कैन चेंज द हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ दैट साइट विदाउट मच अपोजिशन इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ कही कि भाई उनका क्या होगा जिनको कोई मॉन्यूमेंट मित्राज अडॉप्ट नहीं करेंगे अगर सपोज वो कोई मॉन्यूमेंट मित्र अडॉप्ट नहीं करा तो जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसे मॉन्यूमेंट्स को टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देता है और होटल्स में कन्वर्ट करता है जैसे चुनार फोर्ट हो गया बारवा सागर लेक के पास एक सिटाडल था उन सबको उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है तो अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे भी हिस्टोरिकल जो रिलिवेंस है कहीं ना कहीं उन साइट सा खत्म हो रहा है अच्छा एक फैक्ट और याद रखना कि जो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम थी पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती थी नाउ इट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखेगा आई होप यू विल रिमेंबर दिस अब ऑथर ने बताया कि क्या किया जा सकता है तो पहला तो ऑथर ने कहा कि बिज़नेसेस जो है वो सिटीजन्स को अवेयर कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में ग्रांट दे सकते हैं रिसर्चिंग के लिए राइटिंग के लिए पॉलिशिंग पब्लिशिंग हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स के लिए है ना इन सब के लिए आप सी खर्चा करो तो नॉलेज बढ़ेगा एजुकेशन बढ़ेगा और लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी दूसरा उन्होंने कहा है कि जो मीनिंगफुल कंजर्वेशन है हेरिटेज का उसको प्रमोट किया जा सकता है बिजनेसिस के द्वारा जैसे कि वो नए मशीनस इक्विपमेंट

प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज तो एक सोलह कंट्रीज का ग्रुप है जो कि गैलेंट एफर्ट कर रहा है टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज़ अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन्स ये यूनाइटेड नेशंस में लीड कर रहा है वनुआतु वनुआतु लेट मी शो यू तो ये मैप आपको दिख रहा होगा वनुआतु का आ, दिस इज नॉट द वनुआतु मैप एक्चुअली दीज आर द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन तो अगर आप ये आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक देखेंगे तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे माइक्रोनेशिया मेलनेशिया और पोलिनेशिया सबसे बड़ा पार्ट जो है वो पोलिनेशिया का पार्ट है आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिर छोटा सा पार्ट एक मेलनेशिया का है उसके ऊपर यहाँ माइक्रोनेशिया ठीक है ना तो ये माइक्रोनेशिया में आता है मारियाना पलाऊ कैरोन मार्शल आइलैंड ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है जो मेलानशिया है मेलानशिया में आता है पापा न्यू गिनी बिस्मार कार्की पेलागोस सोलमन आइलैंड सेंटाक्रूज वनुआतू फिजी न्यू कैलेडोनिया ये सारे आपके मेलानेशिया के पोलिनेशिया में आता है तुवालू तोलु ऑस्ट्रेलिया आई ऑस्ट्रेल आईलैंड मर्कीस आईलैंड टोंगा न्यूजीलैंड ये सब आता है आपका हवाई ये पोलिनेशिया में आता है तो आपको ये भी याद रखना है होप यू विल रिमेंबर दिस ठीक है ना तो अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जस्टिस के लिए बेसिकली दे आर सीकिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इसके लिए वो वहाँ गए हैं अच्छा अब आई जो है उसके दो जुरुसडिक्शन है देर आर टू टाइप्स ऑफ जुरुसडिक्शन पहला है कंटेंशियस एंड दूसरा है एडवाइजरी कंटेंशियस मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ तो आई के जो जजस्ट्रिक्शन है दो तरीके के हैं कंटेंशन और एडवाइजरी जैसा मैंने आपको बताया कंटेंशन मतलब कि जब दो डिस्प्यूट हो किसी दो कंट्रीज़ के बीच में है ना और दूसरा जब एडवाइजरी कोई एडवाइस ले रहा हो या एडवाइजरी जजिस्ट्रेशन में यू जो है या या ये ई स्पेशलाइज्ड कोई बॉडी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है आई को कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है किसी लीगल क्वेश्चन में तो यहाँ पर वन ने ये एडवाइजरी जजिस्ट्रिक्शन के लिए किया है एंड क्लाइमेट रिलेटेड लिटिगेशन में बेसिकली हालांकि आई ज़्यादा इंटर नहीं करता था लेकिन अब उसको इंटर करना पड़

रिसेंटली uh, सत्ताइसवां सी हुआ था जिसमें कुछ ज़्यादा ख़ास निकला नहीं अब क्या चीज़ें हैं जो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं जैसे वनवातू है वो क्योंकि दे आर मोस्ट वलनेबल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग ये ग्रुप है एक तरीके से स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का जिसमें वनवातू है और ये सब नेशन बेसिकली आइलैंड नेशनस हैं जो कि ज़्यादा खतरे में ज़्यादा वल्नेबल हैं तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि आई कुछ चीज़ें क्लियर करे जैसे कि जो नो हार्म प्रिंसिपल है मतलब कि जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने उनके कोई भी काम किसी दूसरी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के कारण ही पूरा ग्लोबल वार्मिंग और ये सब शुरू हुआ है तो नो हार्म प्रिंसिपल कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है दूसरा जो उन्होंने पॉइंट उठाया ये है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करें वो उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपने काम कर सकें तो ये भी एक काफ़ी बड़ा जो है इशू है जो कि आई सी चीज़ पर रिकमेंडेशन दे सकता है हालाँकि केवल रिकमेंडेशन रहेगा बाइंडिंग नहीं रहेगा बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है आगे मूव करते हैं यहाँ पे अब ई फार्मेसीज के बारे में है अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लगभग 25 कंपनीज जिसमें से टाटा वन एम जी फ्लिपकार्ट अपोलो फार्मेजी अमेजॉन रिलायंस नेटमेड्स और इन सबको कहा है कि आ, आप किस तरीके से ऑनलाइन मेडिसिन शो सेल कर रहे हो शो कॉज नोटिस दे दिया है ठीक है ना अब हुआ क्या था कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ए जो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इट्स अ पावरफुल लॉबी जिसमें बारह लाख से ज़्यादा फार्मासिस्ट हैं उन्होंने थ्रेटन किया है टू लॉन्च अ कंट्री वाइड एजुटेशन इफ़ द गवर्नमेंट डिडेंट एक्ट तो अब दबाव में आकर के जो गवर्नमेंट है वो ई फार्मेसीज के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रही है तो आप क्या लगता है कि क्या ई फार्मेसी को बैन करना एक वायबल सोल्यूशन है आंसर डेफिनेटली है नहीं कोविड के दौरान आप सबको समझ में आया कि किस तरीके से ई फार्मेसीज का जो क्रेज है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है ना और ऑब्वियस अब द फ्यूचर भी इसी चीज का अगर आपके पास कोई चीज़ है कोई टेक्नोलॉजी है कोई आपके पास सुविधा है सहूलियत है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते है ना जस्ट फॉर द सेक कि कुछ लोग उसको बैन कराना चाहते हैं तो इट इज वेरी इट्स अ वेरी बैड प्रोटेक्सट दैट वेरी बैड प्रेसिडेंट दैट विल बी सेट आफ्टर दिस कि कोई जैसे कल को ऑटो वाले स्ट्राइक कर दें और कि ओला और ऊबर को बंद करो तो क्या आप बंद कर दोगे नहीं आपने नहीं करेंगे ना तो दैट इज द थिंग विच इज देयर यही चीज यहां पर उठाई गई है आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन अब आरबीआई का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें वो कॉइन वेंडिंग मशीन बनाने वाले आर गोइंग टू लॉन्च द कॉइन वेंडिंग मशीन विच विल बी अर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन क्यू आर के माध्यम से आप यूपीआई जितना भी आप डालेंगे उतना आपको क्वाइंस मिल जाएंगे और आपके अकाउंट से वो उतना पैसा कट जाएगा ठीक है ना नाउ यू विल बी प्रोवाइड विद ऑप्शन टू विदड्रॉ क्वाइंस एंड उसमें आपको क्वांटिटी और डिनोमिनेशन लिखने पड़ेंगे आपको क्वाइंस मिल जाएंगे द सेंट्रल आइडिया ज टू इज द एक्सेसिबिलिटी टू क्वाइंस पहली चीज जिसका है, है दूसरा यह है कि अभी तक जो मिलते थे, के से मिलते थे तो कॉइन एक्सचेंज के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रहता था जिससे वो नोट्स की वैलिडिटी और ये वैधता चेक कर पाए तो कई बार गलत नोट्स देकर के भी कॉइन एक्सचेंज किए गए थे तो वहां पर इशू हो सकता है ठीक है ना एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट याद रखेगा एंड आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो यू कैन मूव हैड नाउ एंड यहाँ पे ये यह सब तो हमने पढ़ लिया ये भी देख लिया आज येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है फर्स्ट वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क था वो स्टैब्लिश किया गया था तो आज में एक क्विज है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच फेमस नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया गेट्स इज नेम फ्रॉम विच मीन सरपेंट रिवर तो सरपेंट रिवर कौन से नेशनल पार्क का नाम है तो याद रखेगा ये है नगर होल विच इज इन कर्नाटका नगर नागर का मतलब होता है सरपेंट एंड होल का मतलब होता है रिवर तो याद रखेगा सरपेंट रिवर दूसरा है रुडियार्ड किपलिंग की जो

अगला है इन विच स्टेट महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड तो ये महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो है वो आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है इंडिया का लार्जेस्ट डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व कौन सा है तो इंडिया का जो लार्जेस्ट डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में दचिगाम नेशनल पार्क कहां पर है तो श्रीनगर में है और ये कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है तो डियर का कश्मीर स्टैग या फिर हंगुल जिसको कहा जाता है उसके लिए है साइलेंट वैली का नाम कैसे पड़ा तो साइलेंट वैली केरला में है इसका नाम साइलेंट वैली पड़ा बिकॉज ऑफ द देंस ऑफ नॉइसी तो नॉइसीडाज नाम की स्पीशीज होती है जो बहुत नॉइज करती है वो यहां पे नहीं है इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली पड़ा आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हार्टिकल हैं तो यू कैन मूव अहड विद मी आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे पोर्टल ओपन फॉर कम्प्लेन्ट्स अगेन डिसीजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक लॉन्च किया है ग्रीवंस एपिलेट कमिटी पोर्टल ग्रीवेंस जी ए सी पोर्टल ग्रिवेंस एपिलेट कमिटी पोर्टल मीटी के अंतर्गत है ये आई टी रूल्स दो हज़ार इक्कीस के अंतर्गत बनाए गए जिसमें जो लोग हैं दे इफ दे आर डिसेटिस्फाइड विद रेजोलूशन ऑफ कंप्लेट्स और टू सोशल मीडिया कंपनीज अगर सोशल मीडिया कंपनीज़ में उन्होंने कोई कंप्लेट की थी और वो रेजोलूशन से खेत खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं यहां पर ए, ड्रेसल जो ये आपका अंतर्गत है, है, तो है, है, है वो जा सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा आई मिनिस्ट्री ने इंडिकेट किया है कि वो जल्द से डिजिटल इंडिया बिल भी लेकर के आएगा है ना डिजिटल इंडिया बिल भी लेकर के आएंगे तो या आप याद रखिएगा इसरो सक्सेसफुल इनकी टेस्ट ऑफ इंडिया इंडियाज थर्ड मून मिशन अब इंडिया का तीसरा मून मिशन जो चंद्रयान है इट इज़ गोइंग टू बी अ थर्ड मून मिशन एंड चंद्रयान टू जो था उसके बाद ये तीसरा मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा ठीक है ना एंड ये लॉन्च होगा लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री एल थ्री जिसको बोलते हैं एंड ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा अभी जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है दे हैव कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट जो होता है uh, जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो होगा उसको पावर देगा क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर प्रदान करेगा चंद्रयान मिशन का तो स्पेस एजेंसी बेसिकली कंडक्ट करेगी ये ये टेस्ट कंडक्ट हो चुका है एंड सक्सेसफुल भी रहा हॉट टेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट इसके पहले हमने uh, देखा था कि किस तरह से ई एम टेस्ट हुआ था वो भी सक्सेसफुल था, है ना रॉकेट प्रोपल्शन यूनिट याद रखेगा महेंद्रगिरी में है बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच फॉर मेनी विद कैंसर अब याद रखेगा कैंसर पेशेंट जो इंडिया में है उनको दो चैलेंजेस मेन है वन इट कम्स टू प्रोटोन बीम थेरेपी तो ये सबसे पहले तो याद रखेगा कि प्रोटोन बीम थेरेपी कहाँ यूज होती है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है प्रोटोन बीम थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पहला सबसे बड़ा इशू है कि एक तो इनफ फैसिलिटीज़ नहीं है, है ना एंड दूसरी जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा है जहाँ पर है वहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा इनफ फैसिलिटीज़ नहीं है कॉस्ट बहुत ज्यादा है पी बी टी इज कंसिडर्ड अ वायबल आल्टर टू रेडिएशन फॉर ट्रीटिंग द सॉलिड ट्यूमर सॉलिड ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए प्रोटोन बीम थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर है एंड स्पेशली द

आई होप समझ में आ गई होगी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आपके लिए छोटा सा सवाल मेरे लिए मेरा ये है कि आप मुझे कोर सेक्टर्स के नाम बताइएगा आठ कोर सेक्टर्स उनके नाम तो दैट इज़ इट थैंक यू एंड नाइस डे